बैक टू द चटपट टॉय टीवी। मेरा नाम रैन, आज अपन एक बहुत ही ज्यादा स्पेशल, बहुत ही ज्यादा अमेजिंग फैंटास्टिक कार की अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाले हैं। दोस्तों ये है फरारी की तरफ से आने वाली 458 स्पेशले आरसी कार। ये एक बहुत ही ज्यादा एडवांस ऑटोमेटिक कार है। इस तरह की सिर्फ दुनिया में 500 कार्स अवेलेबल है। मेरे पास एक कार आ चुकी है। चलो दोस्तों फटाफट से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग। देखने में लुक भाई एकदम गजब का है इसका। चलो फटाफट से बॉक्स को अपन यहाँ से ओपन कर लेते हैं। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो, यहाँ पर आपको एक बैग दिखाई देगा। बैग पर जैसे ही क्लिक करोगे इसका बाय लिंक आपको मिल जाएगा। ओ माय गॉड, क्या कलर है भाई साहब। डिजाइन तो देखो, देखने में ऐसा लग रहा है कि सारी की सारी जो कार है ना मेटल की बनाई हुई है। एक बार मैं इसको हाथ लगा के देखता हूँ यार, मेटल की है या फिर प्लास्टिक की है। अच्छा तो ये प्लास्टिक है गाइस, बहुत ही ज्यादा हार्ड प्लास्टिक यूज किया गया है इसको बनाने के लिए। स्पेशले 458 की सबसे खास चीज मैं आपको बताऊं तो इसका ये जो ऊपर वाला टॉप होता है ना, पूरी तरीके से फोल्ड होकर यहाँ पर अभी ये है। अगर अपन रिमोट के अंदर एक बटन दबाएंगे तो ये जो टॉप है ना पूरी तरीके से ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर फिट हो जाता है। ये चीज इसके अंदर मेरे को काफी ज्यादा ऑसम लगती है। अगर आपको पता होगा तो यार मेरे पास बहुत सारी कार्स है जिनके डोर्स अपन जो है रिमोट से पूरी तरीके से ऑपरेट कर सकते, पर इसके अंदर ये चीज मेरे को बहुत ही ज्यादा स्पेशल लगती है। इतनी ज्यादा कमाल की ऑसम कार यार मैंने मेरी जिंदगी में पहली बार देखी है। कार के साथ अपने को और क्या-क्या चीजें मिली है, ओ माय गॉड। इसके रिमोट का डिजाइन देखो यार, बिल्कुल इसी तरह के जो स्टीयरिंग्स होते हैं ना रियल फरारी कार में भी दिए जाते हैं, रेड एंड ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। यहां पर फरारी का घोड़ा भी है, यानी कि इसका लोगो है। यहां पर है देखो गाइस इसका स्पेशल बटन, इसको अपन जैसे ही प्रेस करेंगे इसका जो टॉप है ना पूरी तरीके से ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी हो सकता है। देखो यार व्हील्स के अंदर भी जो है ना फरारी का लोगो इसके अंदर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर भी है, कार के अंदर आप जहाँ पर भी देखो यार फरारी का लोगो ही आपको देखने को मिल जाता है। इसी तरीके से भाई इसके अंदर इनबिल्ट बैटरी आ जाती है। कितने mAh की बैटरी है, कितनी बड़ी बैटरी है ये कुछ पता है नहीं। अभी देखो यार जैसे ही मैंने एक बार इसका बटन प्रेस किया है, अभी भाई साहब इसको बोलते हैं यार गजब। ओ माई गॉड, पूरी तरीके से ऑटोमेटिक अपने आप ही सारी चीजें हो जाती है जिस तरह की रियल कार्स में होती है। एक और बार इसको प्रेस करेंगे तो देखो यार यहाँ पे इसका कमाल भाई, ऊपर की जो टॉप है हट चुकी है। अभी देखो यार टॉप जाकर अंदर की तरफ पूरी तरीके से फोल्ड हो चुकी है। अभी यहाँ पर देखने में किसी को भी ऐसा लगेगा कि भाई इसके ऊपर टॉप है ही नहीं, पूरी तरीके से ओपन कार है ये चीज। भाई मेरी जिंदगी में मैंने पहली बार कोई आरसी कार के अंदर देखी है। इनबिल्ट बैटरी होने का एक नुकसान भी होता है, इसके अंदर जो है ना अपन बड़ी वाली बैटरी कतई नहीं लगा सकते। यहाँ पे देख सकते हो ये है अपनी बुगाटी, इसकी फाइट कराने वाले है, और ये है अपनी एक मेटल वाली लंबोर्गिनी, इसकी फाइट कराने वाले। चलो दोस्तों फटाफट से चलते हैं बाहर, कराते हैं भाई इन दोनों के साथ इसकी फाइट, देखते हैं भाई ये कार इन दोनों को हरा पाती है नहीं। लेट्स गो। ओके तो गाइस अभी अपन लोग आ चुके हैं बाहर। देखने में तो कार काफी ज्यादा ऑसम है, तो अभी इसको अपन रोड पर भी टेस्ट करके देखेंगे भाई रोड पर किस तरह से काम करती है अपनी कार। एक बार देखो यार इसका जो टॉप है ना यार, फटाफट से मैं बंद कर देता हूँ। भाई साहब इतनी कमाल की टेक्नोलॉजी आरसी कार में मैं पहली बार देख रहा हूँ। यहाँ पर तीनों कार्स को मैंने साइड बाय साइड रख दिया है, तीनों ही कार जो है बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक दिखाई दे रही है। फटाफट से सबसे पहले अपनी फरारी को चला के देख लेते हैं रोड पर। रिमोट बहुत ही ज्यादा ऑसम मेरे को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर इसके अंदर एक छोटी सी दिक्कत ये लग रही है कि यहाँ पर मैं इसको रिमोट से टर्न कराने की कोशिश कर रहा हूँ, पर देखो यार कितना ज्यादा लंबा टर्न ये ले रही है। एक काम करते हैं रिमोट चेंज करके देख लेते हैं भाई टर्न हो पाती है नहीं। तो ये रिमोट से भी बिल्कुल उसी तरह से काम कर रही है, रिमोट ठीक ठाक है, पर इसकी जो टर्निंग रेडियस है ना यार बहुत ही ज्यादा दी गई है। कार की स्पीड भी ठीक ठाक ही मेरे को लग रही है। फटाफट से एक बार अपनी ग्रीन कलर की लैम्बोर्गिनी को भी चला के भी मैं आपको दिखा देता हूँ ये कार का रिस्पांस देखो यार, और इस कार का रिमोट का रिस्पांस देखो क्या ही गजब है भाई। बुगाटी को भी चला के देख लेते हैं, एक रिमोट से अपन तीन कार यहाँ चलाने वाले हैं गाइस, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। बुगाटी की स्पीड, बुगाटी का भी रिस्पांस देखो यार बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है, क्योंकि इसके अंदर मैंने बैटरी अपग्रेड की है। अच्छा तो इस दिन तीनों की एक साथ रेस कराते हैं यार, यहाँ पे मेरे को लगता है भाई नहीं हो पाएगा, टक्कर भी हो सकती है तीनों के बीच में। एक काम करते हैं दोनों की रेस कराते हैं यहाँ पे, लंबोर्गिनी और फरारी की पहले रेस करा के देख लेते हैं। दोनों बिल्कुल आसपास चल रही थी, अभी देखो यार अपनी जो लंबोर्गिनी है एकदम से भाई इसने अपनी स्पीड बढ़ा दी है, आगे निकल चुकी है। इसकी टॉप स्पीड जा सकती है 35 किलोमीटर पर आवर तक। देखते हैं फरारी इसको हरा पाती है नहीं। मेरे को नहीं लगता कि फरारी हरा पाएगी, क्योंकि अपनी लंबोर्गिनी भाई एकदम बुलेट की रफ्तार से आगे निकल चुकी है। लंबोर्गिनी यहाँ पे जीत चुकी है इस रेस को।
दोस्तों अभी अपन रेस कराते हैं बुगाटी वर्सेस फरारी के बीच में, देखते हैं यार यहाँ पर कौन जीतता है। बुगाटी काफी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है, पीछे से आ रही है फरारी। देखते हैं फरारी अपनी स्पीड बढ़ाकर बुगाटी को पीछा कर पाती है या नहीं। बुगाटी की स्पीड तकरीबन 40 किलोमीटर पर आवर तक जा सकती है। यहाँ पर वापस से इस रेस को हार चुकी है फरारी। ओके तो भाई रेसिंग में फरारी ने बहुत ज्यादा बेइज्जती करवा ली है। अभी कराते हैं भाई एकदम असली वाला टेस्ट, यहाँ पे कराते हैं दोनों के बीच में पुशबैक, देखते हैं भाई कौन जीतेगा। ओ माय गॉड क्या टक्कर मारी यार फरारी ने लंबोर्गिनी को। देखो जैसे इसने टक्कर मारी थी हटकर पीछे आ चुकी है। यहाँ पे देखो यार सीन उल्टा हो चुका है, फरारी ने भाई पूरी तरीके से हरा के रख दिया है लंबोर्गिनी को। लंबोर्गिनी बहुत ज्यादा कोशिश कर रही है पर यह हार चुकी है। ओके तो गाइस अभी फटाफट से बुगाटी के साथ भी पुशबैक करा के देख लेते हैं भाई अपनी फरारी बुगाटी को हरा पाती है या नहीं। चलो दोस्तों स्टार्ट मैंने कर दिया, यहाँ पर दोनों के बीच में बिल्कुल सेम टू सेम टक्कर हुई यार। देख सकते हो दोनों बिल्कुल उछलकर पीछे की तरफ आ चुकी थी। यहाँ पर देखते हैं यार दोनों के बीच में पावर मेरे को सेम ही लग रहा था, पर अपनी बुगाटी पूरी कोशिश कर रही है फरारी को पीछे ढकेलने के लिए पर इससे हो नहीं पा रहा है। देखो यार इसके व्हील जो है कितना ज्यादा स्पीड से घूम रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके देखो बुगाटी को पीछे ढकले जा रही है। तो इसका मतलब यह है कि भाई इसके अंदर पावर बहुत ज्यादा है, स्पीड कम है। बुगाटी और फरारी का तगो वॉर भी करा के देखते हैं भाई यहाँ पर कौन जीता है। दोनों के बीच में लड़ाई चालू हो चुकी है। बुगाटी पूरी कोशिश कर रही थी भाई व्हीली मारकर फरारी को अपनी तरफ खींचने के लिए। देखो यार यहाँ पे बर्न आउट करने की भी ये पूरी कोशिश कर रही है। देखते हैं फरारी यहाँ पर क्या करती है। भाई फरारी एक जगह पर खड़ी हुई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रही है। यहाँ पर ब्रेक्स लगा के रखे हैं इसने अपने पूरी तरीके से। भाई अभी मेरे को लगता है बुगाटी को आ चुका है गुस्सा। देखो यार थोड़ा थोड़ा सा इसको खींचने में कामयाब हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि भाई टग ऑफ वॉर में बुगाटी को कोई भी हरा नहीं सकता है पूरी तरीके से। भाई फरारी को इसने हरा के रख दिया है। बुगाटी के अंदर बहुत ज्यादा पावर है फरारी के मुकाबले में। ओके तो गाइस अभी अपनी फरारी का ऑफ रोड टेस्ट भी एक बार करके देख लेते हैं। यार मेरे को बिल्कुल भी पता ही नहीं था इसके अंदर सस्पेंशन भी लगाया गया है। देख सकते हो यार ऑफ रोड में क्या ही कमाल से चल रही है। भाई मेरे को तो यकीन नहीं हो रहा कि अपनी जो फरारी है ऑफ रोड में भी चल सकती है। भाई साहब मजा आ गया यार इसको ऑफ रोड में चलाकर। ज्यादातर जो सुपर कार्स होते हैं ना ऑफ रोड में बिल्कुल भी चल नहीं पाती है। जैसे कि यहाँ पे लंबोर्गिनी आप देख सकते हो भाई कितना ज्यादा जंप कर रही है, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रही है इसको ऑफ रोड चलने के मामले में। तो भाई फरारी जीत चुकी है यहाँ पे ऑफ रोड चलने के मामले में। अभी यहाँ पर बहुत सारे कंकर पत्थर पड़े हुए हैं, देखते हैं भाई तीनों को एक साथ चलाकर यहाँ पर चल पाती है या नहीं। दोनों कार तो चल रही थी भाई, यहाँ पर देखो दोनों का बैलेंस बिगड़ चुका है। अपनी फरारी एक ही जगह पर फंस चुकी है, फरारी पत्थरों में नहीं चल सकती है। दोस्तों देखो पूरी कोशिश कर रही है यहाँ से निकलने के लिए पर चल नहीं पा रही है। लंबोर्गिनी थोड़ा बहुत कोशिश करके भाई आगे निकल चुकी है, अभी ये भी वापस से यहाँ पर फंस चुकी है। अभी देखते हैं बुगाटी कहाँ तक पहुंची है। बुगाटी भी भाई थोड़ा थोड़ा सा कोशिश करके आगे बढ़ रही है, अभी ये भी यहाँ पर फंस चुकी है। भाई तीनों की तीनों ऑफ रोड पत्थरों पे चलने के मामले में फेल है। गाइस फटाफट से लाइट टेस्ट भी करके देख लेते हैं तीनों के बीच में। तीनों की हेडलाइट जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। यहाँ पे ब्राइटनेस के मामले में बुगाटी की लाइट्स बहुत ही ज्यादा ब्राइट है, उसके बाद लंबोर्गिनी की है, उसके बाद फरारी की है। तो माय डियर दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको फरारी 458 स्पेशले पसंद है या फिर लंबोर्गिनी पसंद है या फिर अपनी बुगाटी कार पसंद है। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। तो चलो अभी मैं दे देता हूँ शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है प्रिंस पठान, शहजाद, सुंदरम, दिव्यांक, सतिंदर, अनिल, संजय, जगदीश, प्रनेश, शर्मिष्ठा मंडल। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय बाय दोस्तों।